It is my YouTube channel. So subscribe it by clicking on this bell icon. Assalamualaikum students, my name is Karim Thobani and अरीना मल्टीमीडिया से पिछले 22 साल से मुंसलिक हूँ एज अ विजिटिंग फैकल्टी अरीना मल्टीमीडिया में पढ़ा रहा हूँ और आज भी एक ज़बरदस्त ट्यूटोरियल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और सॉफ्टवेयर है हमारा ऑटोकैड ऑटोकैड के ऊपर आज हम देखने जा रहे हैं पोलर एरे ठीक है और पोलर एरे मैं आपको लिख देता हूँ POL पोलर एरे अच्छा अब मैं इसको बाकायदा यहाँ पर टाइप करता हूँ ठीक है ना कभी भी कोई आप कमांड लगाएंगे स्केप ज़रूर दबा दें स्केप दबाने के बाद आप कमांड लगाएं जैसे कि मैं सबसे पहले सी प्रेस करता हूं सी से आ गया सर्कल सर्कल लिया आपने एक सर्कल बना दिया ठीक है सर्कल बनाने के बाद अब इस सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद आप कमांड लेंगे ए आर से आएगा एरे ए आर दबाते ही आपके पास एरे आएगा शॉर्टकट्स आप यहाँ देख सकते हैं एरे ले लिया अब इसके अंदर आप ले लेंगे पोलर एरे पोलर एरे पोलर ले ले अच्छा अब ये पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट हम बता देंगे कि यहाँ कहीं जैसे मैं अगर यहाँ बताता हूँ तो यहाँ से समझें ये एक सेंटर रखते हुए इसको घुमा देगा मैं क्लिक करता हूँ जैसे मैंने इस पॉइंट पे क्लिक किया आप देखें ये तादाद में बढ़ गए ठीक है अब तादाद में बढ़ गए मैंने क्लिक किया क्लिक करने के बाद अब ये डिस्टेंस पूछ रहा है स्पेसिफाई द एंगल टू फिल ठीक है ना कितना क्या एंगल क्या देना अपने हिसाब से आप अगर ये दे देंगे तो इस तरीके से लगाएगा अगर इस तरह गैप दे दूंगा तो अब जितने भी आएंगे वो इस तरह गैप से आएंगे अच्छा इसको दूसरी तरीके से हैंडल करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक एरो आ रहा है इसको क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा ये इसका डिस्टेंस यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं जैसे क्लिक कर दिया ये ऐसा हो जाएगा अगर मैं इसको क्लिक करके आगे लेके जाता हूँ तो फिर फासला इस तरह से हो जाएगा इस तरह हो जाएगा ठीक है ना अच्छा ये क्वांटिटी कम ज़्यादा करने के लिए अगर इस एरो को क्लिक किया तो आप इसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं ये कम हो गया और अगर क्लिक करके मैं बढ़ा रहा हूँ तो ये क्वांटिटी बढ़ा रहा है ठीक है और इसी तरीके से अगर डिस्टेंस कम कर देता हूँ और उसके बाद क्वांटिटी बढ़ाता हूँ तो देखिए बहुत सारा हो जाएगा इस तरीके से बढ़ जाएगा ठीक है ना एग्जिट कर दिया एग्जिट करने के बाद कैसे इसको कंट्रोल करना है जैसे आपने जाके एरे पे क्लिक कर दिया अब एरे पे क्लिक करने के बाद आप अगर कोई एडिट करना चाहते हैं जैसे आपने बेस पॉइंट लिया या फिर आप एडिट सोर्स ले लें एडिट सोर्स लिया आपने और किसी भी अब वो पूछ रहा है सिलेक्ट आइटम इन एरे यानी किस आइटम को या किस चीज़ को आपने एडिट करना है मैंने बोला इस सर्कल को एडिट करना है मैंने क्लिक कर दिया अब आप नोट करेंगे कि बाकी तमाम डॉटेड लाइन्स में आ रहा है सिर्फ ये कंप्लीट सर्कल आ रहा है अब आप इसके अंदर कुछ भी चेंज करें जैसे आप क्लिक करें इसको क्लिक करने के बाद अगर मैं ओ प्रेस करता हूँ ऑफसेट ऑफसेट लिया मैंने ऑफसेट लेके आप पूछ रहा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस मैं बता रहा हूँ इतना ऑफसेट चाहिए मुझे बस इतना क्लिक कर दिया अब मैं जैसे बाहर की तरफ क्लिक करूँगा ये देखिए सबके अंदर एक सर्कल आ जाएगा मैंने पहले इसको क्लिक किया फिर बाहर क्लिक किया अभी अपडेट नहीं हुआ ठीक है अपडेट नहीं हुआ लेकिन जब मैं इसको यहाँ आके सेव चेंजेस कर दूंगा तो तमाम के ऊपर से लगा दिया ठीक है तो इस तरीके से तमाम पर अप्लाई हो जाएगा कोई भी ऑब्जेक्ट आपको चेंज करना है मैं स्केप दबाता हूँ लेट सपोज मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ REC एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ और एक रेक्टेंगल बना के मैंने यहाँ पर रख दिया ठीक है छोटा सा रेक्टेंगल बना देता हूँ और यह स्क्वायर बना लें क्लिक कर दिया अच्छा अब रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाने के बाद मैं फिर से एरे को क्लिक करता हूँ ये पूरा एरे बना हुआ है ये सर्कल नहीं रहा ये एरे बन गया क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ से आपने सिलेक्ट करने के बाद रिप्लेस आइटम पे क्लिक करना है वो पूछ रहा है सिलेक्ट रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट ये है रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट इसको क्लिक कर दें क्लिक करने के बाद सिलेक्ट रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट ठीक है एंटर करेंगे फिर दूसरा ऑप्शन पूछेगा आपने क्लिक करने के बाद एंटर करना है एंटर करने के बाद अब पूछ रहा है सिलेक्ट बेस पॉइंट आप बेस पॉइंट बता देंगे इसका सेंटर पॉइंट ठीक है आप इसका सेंटर पॉइंट बता दें कहाँ पर है बॉक्स आप जैसे क्लिक करेंगे अब पूछ रहा है सिलेक्ट अब एंटर नहीं करना पड़ा सिलेक्ट एन आइटम इन द एरे कौन सा आइटम को आपको रिप्लेस करना है जैसे मुझे इसको रिप्लेस करना है आप देखें खुद ब खुद ये बॉक्स उस दो सर्कल की जगह रिप्लेस हो गया या इस वाले सर्कल को जिसको आप क्लिक करते जाओगे वो चीज़ रिप्लेस होती चली जाएगी और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से खूबसूरती के साथ वो तमाम चीज़ों को रिप्लेस करते हुए इसकी जगह स्क्वायर लगाते जा रहा है ठीक है तो इस तरह ये रिप्लेस होता चला जाएगा ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो रहा है और आप देख रहे हैं सारी चीज़ रिप्लेस हो गई तो इस तरह आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं और बाकी तमाम फंक्शंस इसके एज इट इज़ रहेंगे आप स्केप दबा दें
आप इसके देखिए क्वांटिटी अगर कम करेंगे ये कम भी होगा, ठीक है कम हो रहा है, आप फासला बढ़ाएंगे आप फासला भी बढ़ रहा है, सब काम वैसे ही कर रहा है जैसे पहले कर रहा था, सिर्फ फ़र्क आया तो ये कि इसके अंदर जो मैंने एडिट किया है वो चीज़ें वो लगा के दे रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है आज का आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। अरीना मल्टीमीडिया आए विजिट करें, हम इससे अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सिखाएंगे, ये जैसे एक डेमो है, इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख रहे हैं लेकिन इससे कई ज़्यादा आप अरीना मल्टीमीडिया में सीखेंगे। आइंदा वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। It is my YouTube channel. So subscribe it by clicking on this bell icon.